नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। वेस्टइंडीज की टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां कैरिबियाई टीम को टेस्ट सीरीज खेलनी है। मेहमान इंग्लैंड के साथ इस कोरोना काल में टेस्ट सीरीज का आयोजन होना है। 8 जुलाई से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी और इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भी टेस्ट और T20 सीरीज खेली जानी है। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है और लंबे समय के बाद से ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। दौरे पर आने के बाद दोनों टीमों के बीच बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पहले वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज ने जोफ्रा आर्चर के बारे में बोला कि आर्चर के साथ मेरी कोई दोस्ती नहीं रहेगी मैदान पर, और ऐसा कहने वाला खिलाड़ी था केमार रोच। और अब कप्तान जेसन होल्डर ने भी यही बात दोहराई है। गौरतलब है कि वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज केमार रोच ने आर्चर को आगाह किया था कि सीरीज के दौरान उनके साथ दोस्ती जैसी कोई चीज नहीं होगी। कप्तान जेसन होल्डर ने भी इसी तरह की बात की और कहा कि 3 मैचों की सीरीज शुरू होने के साथ ही आर्चर के साथ दोस्ती पीछे छूट जाएगी। आपको बता दें, बारबाडोस में जन्मे जोफ्रा आर्चर ने साल 2018 में इंग्लैंड की तरफ से खेलने की अर्हता हासिल की थी और साल 2014 में वेस्टइंडीज की टीम के लिए वो अंडर 19 विश्व कप खेल चुके हैं। जेसन होल्डर ने गुड मॉर्निंग ब्रिटेन कार्यक्रम में कहा, जोफ्रा आर्चर अब इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। केमार रोच ने इंटरव्यू में भी यही बात कही थी, मैदान से बाहर हम दोस्त हैं, लेकिन जब हम मैदान पर आते हैं तो हमारे लिए इंग्लैंड के एक अन्य खिलाड़ी जैसा है। मुझे विश्वास है कि जोफ्रा आर्चर भी हमें परेशानी में डालने के लिए तैयार होंगे। खैर, अभी से ही दोनों टीमों ने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है और शुरुआत वेस्टइंडीज की टीम ने कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जोफ्रा आर्चर इस बात पर कैसा रिएक्शन देते हैं। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।